नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप? आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे गांव में भागवत कथाएं हो रही हैं, उसकी कलश यात्रा मैंने दिखाई थी, तो आज मैं अपने गांव में आया हूं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मंदिर प्रांगण के पास ही हूं मैं, जहां पे हमारे यहां भागवत कथाएं चल रही हैं। तो अभी मैं जा रहा हूं भागवत में, तो भागवत आपको भी दिखाऊंगा, हमारे यहां किस प्रकार के भागवत हो रहे हैं, क्या भागवत कथा हो रही है, आपको भी दिखाऊंगा सुनाऊंगा। तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक, मैं दिखाता हूं आपको आगे का नजारा मंदिर का। तो चलता हूं मैं यहां से, दिखाता हूं सीधे आपको मंदिर का नजारा। तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक, तो दिखाता हूं आपको आगे। तो ये हमारे नीचे गांव का रास्ता है और ये सामने है हमारे इस गांव का मंदिर का मेन गेट। तो दिखाता हूं आपको आगे चल के पूरा नजारा। सारी दुनिया को विजित है ताकि जो व्यक्ति अपने घर में आए हुए कष्ट पर सजग नहीं रहता है, ताकि उसके घर में निश्चित रूप से संकट आना। ये मंदिर का दूसरा गेट है, ताकि जो अपने घर पर सामने हो रहे हैं भागवत कथा है, तो आपको दिखाता हूँ आपका क्या भाग जाता है, ताकि मेरे पितरों को उस लोक में किस प्रकार से सुखी होंगे ये उपाय बता दीजिए। मैंने आस्तिक महाराज जी ने मेरा यज्ञ रोका, आस्तिक महाराज जी ने आपके बारे में बताया, ताकि उनसे आप देवी का वर्णन सुनना, वर्णन सुन करके आपके पितर निश्चित रूप से मोक्ष के अधिकारी होंगे। कहा महाराज, अब आप मुझे बताइए कि ये देवी कौन है, ये देवी कैसी दिखती है, कैसा इनका व्यवहार है, ये किस कुल की है, ये जन्म लेती है या अजन्मी है, ये किस प्रकार की है, इन देवी का सारा आप मुझे प्रारूप बताइए। कहते हैं तब उन व्यास महाराज जी ने एक सुंदर प्रसंग सुनाया, कहा देखो राजा जन्मेजय, ये भगवती बड़ी ही परम दयालु है, नित्य नित्य अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए जब जब भक्त छोटी छोटी पूजा भी अगर इन माँ की कर ले तो वो माँ नित्य नैमित्तिक देने वाली है। ताकि नित्य नैमित्तिक क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से माता अपने पुत्र का हर प्रकार रक्षण करती है, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र का हर प्रकार से रक्षण करती है, पुत्र को कोई चीज चाहिए होती है तो तुरंत दे देती है, गुस्सा होगी तो तुरंत क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, ताकि वैसे ही ये माँ मात्सल्य और वात्सल्य स्वरूप है, ताकि कुपुत्रो जायेत क्वचित भी कुमाता न भवती, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। इसलिए जन्मेजय, एक बार का प्रसंग आपको मैं बताता हूं कि अगर किसी की संतान मूर्ख भी हो जाए ना, तो उनको नित्य भगवती के बीज मंत्र का जप दे दो, अगर जप दे दोगे तो निश्चित रूप से मूर्ख मनुष्य भी विद्या को प्राप्त हो जाता है। जरूर अपने घर में अपने बच्चों को माँ भगवती का पूजन करने के लिए कहें, माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए कहें। अगर विद्या में कहीं पर बुद्धि में आपको लगता है कि कमजोर है, तो सरस्वती मैया का यंत्र लेकर के उसकी प्रतिष्ठा करा करके बढ़िया आराम से घर में क्या करें, सरस्वती माता का पूजन कराएं, उनमें कुमकुम रोली अक्षत चढ़वा करके भगवती का पूजन कराएं। अगर कोई पूजा पाठ ना आती है, इतने से भी माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। कहा राजा जन्मेजय, ये भगवती बड़ी ही दयालु है, देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण हुए हैं। कहा इन देवदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो बड़े बड़े आचार्य बुलाए, बड़े बड़े आचार्य अपने घर में बुलाए। कहा कि जब आचार्य बुला सकते थे
सब ब्राह्मण अपने निरंतर पूजन कर रहे हैं, किसी को ऋग्वेद दे रखा है, किसी को यजुर्वेद दे रखा है, किसी को सामवेद दे रखा है, किसी को अथर्ववेद, सब अपने अपने वेदों का गायन कर रहे हैं। कोई पूजा के कर्म में संलग्न है, कोई पूजा के कर्म में संलग्न है, कोई आचार्यत्व कर रहा है। जो यज्ञ आदि का कार्य ना जानते हो वो ब्राह्मण अन्य कोई और कार्य कर रहे हैं। कैसे? काकी जो पूजा की सामग्री आदि लानी है उन पूजा की सामग्री को लेकर के आ रहे हैं। इसके यज्ञ में विशेष ध्यान दीजिए कि आप जिनको व्रणित कर रहे हैं, पहले तो व्रण लेना ही एक बहुत अत्यधिक भार का काम होता है। हर किसी को व्रणित करना ठीक है, लेकिन व्रणित उतने को ही करना चाहिए जो उस कार्य को पूर्ण रूप से कर दे। अगर व्रणित करने के बाद वो कर्म पूर्ण नहीं हुआ तो दोनों को दोष जाता है, ताकि ब्राह्मण को भी दोष जाएगा और यजमान को भी दोष जाएगा। इसलिए किसी भी यज्ञ को करने से पूर्व उसकी पूरी सुनिश्चितता कर ले कि किस कार्य किसको सौंपना है, किस प्रकार से सौंपना है और क्या क्या कर्म किसी से करा लेते हैं। हम यहां जब कभी भी यज्ञ करता हूं या किसी समय भी इस स्थान पर यज्ञ होता है तो हमारे भगत जी लोग, हिम्मत सिंह जी, डूंगर सिंह जी और भी अन्य नाम धीरे धीरे जानने के लिए कोशिश कर रहा हूं, सबका नाम जानू, लेकिन सभी लोग, क्योंकि यहां की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ब्राह्मणों को भी उनके अनुसार जो है सब कर्म बता देते हैं कि इन्होंने ऐसा करना है, इन्होंने ऐसा करना है, इन्होंने ऐसा करना है, इन्होंने ऐसा करना है। वैसे ही देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भगत बने पड़े हैं, आप ही के संतान हैं, आप ही के बच्चे हैं, लेकिन गुण देखिए, आप ही लोगों के तो गुण है, आप ही लोगों के संस्कार है, इतने बड़े आप हो गए हैं, लेकिन भक्ति प्रेम व्यवहार आप लोगों का किससे है? ताकि जब आपने बड़ों से सीखा, बड़ों ने जो सिखाया उसको निरंतर चलाया, तब मैंने कहा कि संस्कार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है, तभी तो ये भगवती की इतनी कृपा है। सुबह वैसा मौसम हो रखा था, देखो जिस समय से पूजा प्रारंभ हुई माँ भगवती ने कृपा करवा तो करी है, ये आप ही लोगों का तो प्रभाव है। कहा कि आप यहाँ पर इतना समय देते हो, इतनी भक्ति देते हो, भगत जी लोगों को देखिए निरंतर कितनी सेवा में लगे रहते हैं। इसको यज्ञ का बताया, कहा कि यज्ञ में आप ऐसे को ही व्रणित करें जो उस कर्म को पूर्ण करे। इस कारण से वशिष्ठ और निमि महाराज जी में लड़ाई हो गई, वशिष्ठ महाराज जी और निमि में लड़ाई होगी। वशिष्ठ महाराज जी निमि महाराज जी के कुल पुरोहित हैं। वशिष्ठ महाराज जी निमि महाराज जी के कुल पुरोहित हैं। घर में यज्ञ कराने का मन हो गया निमि महाराज का, महाराज मैं अपने घर में यज्ञ कराता हूं। तो वशिष्ठ महाराज जी ने कह दिया, जजमान पर मैं बात टैमन हाथ मैं इंद्र घर में कराना चाहिए यज्ञ, ते लीजिए टैम हाथ नैल यशकर थोड़ा पिछड़ कर ले, ना जाता मैं ऐला करूं तो बात टैम छून हाथ मैं दूसर को लियो, लेकिन करना का ऐला है इच्छा। उनका कुल पुरोहित जी ने उनका ठीक से जजमान तेरे फल हो तो अपन कार्य संपन्न कर, लेकिन मैं दूसर जाकर व्रणित अर्थात व्रण नहीं रखो, यानी कि मैं तेरे वहां यज्ञ में नहीं आ सकती है। ताकि पहले जिससे बोल दिया है मैं उस बोले हुए शब्द को नहीं काट सकता हूं, अर्थात उसको निरंतर करूंगा, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकता हूं। यज्ञ संपन्न हुआ, निमि महाराज जी का भी, वशिष्ठ महाराज जी का भी। वशिष्ठ महाराज जी कुल पुरोहित हैं, उनका जजमाना घर जो जरा सा ये चक्कर देखियो। जय अम्बे जय मात भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे।
I'm
जय हो चिदानंद आनंद
चंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जननी सीता मैया की जय। लखन लाल की जय। वनसद हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। समस्त ब्राह्मण मंडली की जय। संत मंडली की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। समस्त सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का बोले श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बोले जगदम्बा मैया की जय। आनंदाय सर्वा सर्वकष्ट सर्व दुख हरु हर सत्य दरबार की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की व्यास देव भगवान की समस्त ब्रह्म मंडली की समस्त संत मंडली की समस्त भक्त मंडली की जनता जनार्दन की आज के आनंद की जय। घरों में सदा सुख शांति रहो, धन धान्य समृद्धि हो, दीर्घायु हो, यही हम माता है ना आप लोगों की गुजारिश कर लो। धन्यवाद।